हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा वीडियो IBPS PO प्रीलिम्स 2024 से रिलेटेड है। सेक्शन सीक्वेंस, क्या होगा ऑर्डर ऑफ सेक्शन, क्या पहले आएगा एग्जाम में, क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश, तो ये वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रीलिम्स का ऑर्डर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियस इयर्स में चेंजेस देखे गए हैं कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अभी मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी चेंजेस देखे गए हैं। तो पहले तो आपको एकदम रेडी रहना है कि कोई भी आपका सेक्शन ओपन हो, पहले आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, आप ये सोच के चलिए और बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। सभी सेक्शंस के लिए आपको 20-20-20 मिनट्स तीनों के लिए मिलेंगे। आपको उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। सेक्शन कोई भी खुले, आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और एक एक मिनट देखिए इसमें हमारा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसको आप उस पे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइएगा। अभी थोड़ी देर में मैं टिप्स पर भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा जिससे कि आपके अटेम्प्ट्स काफी बढ़ जाएं, वो भी आप देखिएगा। अभी हम सेक्शन की बात कर लें तो सबसे पहला सेक्शन जो खुलने की उम्मीद है वो है इंग्लिश। सबसे पहले आपका इंग्लिश सेक्शन खुलने की उम्मीद है। सेकेंड आपका खुलेगा क्वांट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका सेकंड नंबर पे खुलेगा। उसमें भी आप इम्पोर्टेंट जो जो आप कर सकते हैं पहले, जैसे कि क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हुआ या अप्रोक्सीमेशन हुआ, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा पहले। उसके बाद आप DI पे मूव कर जाइएगा। ये सब मैं टिप्स की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं सेक्शन की बात करूं तो थर्ड नंबर पे सीक्वेंस में जो रहेगा वो रीजनिंग खुलने की पूरी पूरी चांसेस है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं, फर्स्ट पे इंग्लिश, सेकंड पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थर्ड नंबर पे रीजनिंग खुलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अगर चेंज भी हो ऑर्डर, पर वैसे इंग्लिश, क्वांट और फिर रीजनिंग इसी ऑर्डर में एग्जाम खुलने की पूरी संभावनाएं हैं। कल जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप अटेम्प्ट और ऑर्डर को एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिएगा। बाकी आपको ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन हो एग्जाम में, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।